सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही शानदार जानदार बातें बताने जा रहा हूं राजस्थान के राजवंश के ऊपर। और 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, जो पुरानी बैच है वो 1 सितंबर से, नए बैच 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। रीट के हम स्पेशल बैच क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 2 सितंबर से। रोजाना 10 घंटे क्लास रहेगी, 19 दिन यानी 2 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक क्लासें रहेगी। तो 19 दिन 190 घंटे में आपका रीट लेवल 2 एसएसटी और रीट लेवल 1 का कोर्स हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो भी प्रतिभागी हो वो 98750 75725 के ऊपर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, शानदार जानदार बातें बताने जा रहा हूं राजवंश के ऊपर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है कि कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है कि इस राजवंश का संस्थापक कौन रहेगा, इसका कौन रहेगा, तो वो वाला पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश का संस्थापक है गुहादित्य या गुहिलादित्य। पूरा ध्यान से, मेवाड़ राजवंश का संस्थापक है गुहिलादित्य या गुहादित्य। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक पूछे तो राणा हमीर। वापिस बता रहा हूं पूरा ध्यान से कि मेवाड़ के गुहिल वंश का पूछे तो गुहादित्य या गुहिलादित्य, और यदि आपसे पूछे मेवाड़ के सिसोदिया वंश का तो राणा हमीर। फिर उसके बाद में मेवाड़ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। ध्यान से सुनते रहिए बस। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक है राव बिका। फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार पर 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपसे वो सीधा पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बताओ हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बताओ तो सीधा आंसर है हरिश्चंद्र। फिर वो पूछेगा गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा का संस्थापक तो रज्जिल। अगर आपसे पूछे गुर्जर प्रतिहार की भीनमाल शाखा का संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम। पूरा ध्यान से सुनिए, सीधा क्वेश्चन आया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपने कह दिया हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है उसका संस्थापक तो रज्जिल, भीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। फिर हम बात करते हैं आमेर का कछवाहा वंश, उसका संस्थापक है दुल्हेराय। दुल्हेराय के बचपन का नाम था तेजकरण, तो यह भी ध्यान रख लेना। कई बार यह होता है कि दुल्हेराय आता ही नहीं है, तो ध्यान से कि आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक पूछे तो आप कह देना दुल्हेराय या तेजकरण, एक ही बात है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं करौली का यादव वंश। करौली के यादव वंश का संस्थापक है विजयपाल। करौली के यादव वंश का संस्थापक है विजयपाल। फिर उसके बाद में टोंक का पिंडारी वंश संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। टोंक के पिंडारी वंश का संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। फिर उसके बाद में चौहान वंश, इसकी शाखाएं भी है चौहान वंश। सांबर के चौहानों का संस्थापक है वासुदेव चौहान। फिर उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक तो गोविंद राज। सांबर के चौहानों का तो वासुदेव, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक है गोविंद राज। फिर उसके बाद में जालोर के सोनग्रा चौहान का कीर्तिपाल संस्थापक है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया सांबर तो वासुदेव, अगर आपसे पूछ ले रणथंबोर तो रणथंबोर का गोविंद राज, और अगर आपसे पूछे जालोर के सोनगरा का तो कीर्तिपाल।
फिर उसके बाद में मैं बात करूं सिरोही, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक है लुम्बा देवड़ा। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक लुम्बा देवड़ा। चार बातें याद रख लेना, अगर पूछे सांबर तो वासुदेव, अगर पूछे रणथंबोर तो गोविंदराज, अगर आपसे पूछे जालोर के सोनगरा तो कीर्तिपाल, और अगर पूछे सिरोही के चौहान वंश का तो लुम्बा देवड़ा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हाड़ोती के चौहान का देवाहड़ा, हाड़ोती के चौहान का देवाहड़ा। पांच टाइप हो गए हैं, याद रखना, बस कंफ्यूजिंग 100% रहेगी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से याद किया तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा। सांबर का आ जाएगा तो वासुदेव, रणथंबोर आ जाएगा तो गोविंदराज, रणथंबोर आ जाएगा तो गोविंदराज हो जाएगा, और अगर आपके आ जाए जालोर तो सोनगरा का कीर्तिपाल हो जाएगा, अगर आ जाए सिरोही तो लुम्बा देवड़ा हो जाएगा, अगर आ जाए हाड़ोती के तो देवाहड़ा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नाडोल, 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 अरे लक्ष्मण नाडोल, लक्ष्मण देव चौहान। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक पूछे तो लक्ष्मण देव चौहान। ये छह प्रकार के हो गए हैं अपने। फिर उसके बाद में जाट वंश का संस्थापक है चूड़ा जाट, जाट वंश का संस्थापक है चूड़ा जाट। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जैसलमेर का भाटी वंश, भाटी वंश का भट्ट, जैसलमेर के भाटी वंश का भट्ट या भट्टी, भट्ट या भट्टी, जैसलमेर के भाटी वंश का संस्थापक है भट्ट या भट्टी। फिर उसके बाद में एक बार फिर रिपीट कराने जा रहा हूं, पूरा ध्यान से, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक है गुहादित्य, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का राणा हमीर, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक पूछे, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो राव सिंहा, अगर बीकानेर के राठौड़ वंश का पूछे तो राव बिका, मेवाड़ का पूछ ले तो गुहादित्य आ जाएगा या गुहिल लादित्य आ जाएगा, मेवाड़ का सिसोदिया आ जाए तो राणा हमीर आ जाएगा, जोधपुर का आ जाए तो राव सिंहा आ जाएगा, बीकानेर का आ जाए तो राव बिका आ जाएगा। गुर्जर प्रतिहार, तीन क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक हरिश्चंद्र, आपसे पूछे मंडोर शाखा का तो रज्जिल, मंडोर शाखा का अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप ये कह देना मंडोर का तो रज्जिल है, भीनमाल का पूछे तो नागभट्ट प्रथम है, आमेर का कछवाहा वंश पूछ ले तो दुल्हे राय है, और करौली का यादव वंश पूछ ले तो विजयपाल है, करौली का यादव वंश पूछे तो विजयपाल है। फिर उसके बाद में टोंक का पिंडारी वंश अमीर खां पिंडारी, टोंक का पिंडारी वंश अमीर खां पिंडारी। चौहान वंश का अगर पूछ रहा है सांबर वाला तो वासुदेव, पूरा ध्यान से, छह नाम, सांबर के चौहान वासुदेव, रणथंबोर के गोविंदराज, जालोर के सोनगरा कीर्तिपाल, सिरोही के लुम्बा देवड़ा, हाड़ोती के चौहान देवाहड़ा, नाडोल लक्ष्मण देव, और जाट वंश का है चूड़ा जाट, और जैसलमेर का भाटी वंश आए तो भट्टी या भट्ट। अब एक नई बात, नई बात में कि आपके सामने है क्वेश्चन, बताइए जो अभी बताया उसका आपसे पेपर भी ले लेते हैं, अभी एक नया काम किया है, अच्छा लगे तो बताना जरूर, मेन कमेंट करके बताना और जितने भी ग्रुप है उन सब में शेयर करना। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के संस्थापक गुहादित्य या गुहिलादित्य है? ऑप्शन है जोधपुर का राठौड़ वंश, करौली का यादव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, ए बी सी डी क्या आंसर होगा? जोधपुर का राठौड़ वंश, करौली का यादव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश। तो इसका आंसर है मेवाड़ का गुहिल वंश, इसका आंसर है मेवाड़ का गुहिल वंश। जोधपुर का तो अपने को पता है राव सिंह, करौली का यादव वंश है विजयपाल, गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र, तो मेवाड़ का कौन होगा? गुहिल। मेवाड़ का गुहिल जो वंश है उसका संस्थापक कौन होगा? गुहादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर शाखा यानी गुर्जर प्रतिहार, मंडोर शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, विजयपाल, रज्जिल या दुल्हेराय? क्वेश्चन आपके सामने चारों हैं, नागभट्ट प्रथम, विजयपाल, रज्जिल या दुल्हेराय, आंसर दीजिए ए बी सी डी क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रज्जिल, इसका सही आंसर है रज्जिल। नागभट्ट प्रथम तो भीनमाल शाखा का है,
विजयपाल करौली के यादव वंश का है, रज्जिल मंडोर शाखा का है और दुल्हेराय आमेर की कछुआ वंश का है। फिर उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, लुम्बा देवड़ा निमन में से किस वंश का संस्थापक है? लुम्बा देवड़ा रणथंबोर के चौहान वंश का, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का, नाडोल के चौहान वंश का या सिरोही के चौहान वंश का? आंसर दीजिए ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा कि लुम्बा देवड़ा किस वंश का संस्थापक है। तो इसका सही आंसर है सिरोही के चौहान वंश का। सिरोही के चौहान वंश का, रणथंबोर का तो गोविंद राज था, जालोर के सोनगरा का कीर्तिपाल था, नाडोल का लक्ष्मण देव चौहान था और सिरोही का लुम्बा देवड़ा। और अब आज का अंतिम क्वेश्चन, करौली का यादव वंश, करौली के यादव वंश का संस्थापक कौन है? देवाहड़ा, विजयपाल, गोविंद राज, चूड़ाजाट? आंसर दीजिए ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? देवाहड़ा, विजयपाल, गोविंद राज या चूड़ाजाट? तो करौली के यादव वंश का संस्थापक है विजयपाल। इसका सही आंसर है विजयपाल। देवाहड़ा हाड़ोती के चौहान वंश का, गोविंद राज रणथंबोर के चौहान वंश का और जाट वंश का चूड़ाजाट है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश तब करूंगा आपके लिए जब आप इसे बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और मुझे ये भी सुझाव देंगे कि सर हमें इसके ऊपर छोटा सा वीडियो और बना के दो, यहां पे हमारी कंफ्यूजिंग होती है। और इसकी जो पीडीएफ है वो संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर ई बुक के अंदर जाओगे तो ई बुक में एक फोल्डर बना हुआ है यूट्यूब का, बिल्कुल निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलेगी, आराम से जाकर उसको स्टडी करिए। 1 सितंबर से ऑफलाइन शुरू हो रही है, 2 सितंबर से रीट एसएसटी रीट लेवल 1 का क्रेश कोर्स शुरू करने जा रहा हूं। 19 दिन × 10 घंटे रोजाना, 6000 रुपए फीस रहेगी, 190 घंटे में हम कंप्लीट कोर्स आपको करवाएंगे, बैठना आपको रोजाना 10 घंटे पड़ेगा। बाकी आरएएस एसआई सबके बेस्ट 2 सितंबर से हो ही रहे हैं, तो जितने हो ग्रुपों में शेयर करिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।